तो गाइज आज का दिन ज़रा मुश्किल होने वाला है क्योंकि आज हमने ढूंढने हैं टॉप क्लास किस्म के हाई फ्लायर कबूतर। तो गाइज सीन कुछ इस तरह से है कि अभी हमने लेने हैं कबूतर अच्छे अच्छे उड़ाने के लिए और मेरे चाचू जो है ना वो भी आए हुए हैं तो वो जो है ना अभी कबूतर वगैरह पसंद करेंगे। पहले एक शॉप पे हम गए थे वहाँ पे हमें कबूतर पसंद नहीं आया, अभी हम एक नई शॉप पे आए और यहाँ पे देखते हैं कि हमें कोई कबूतर अच्छा लगता है या नहीं। तो यहाँ से भी देख रहे हैं पसंद करते हैं यार गोल्डन या कोई अच्छा सा कबूतर। पिछली वाली शॉप है जहाँ से हम रात के टाइम आए थे और वहाँ से तकरीबन मैंने 5 कबूतर लिए थे वही वाली ये शॉप है। और स्टॉक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है पहले से क्योंकि पिछली दफ़ा काफ़ी सारे कबूतर पड़े हुए थे, इस दफ़ा थोड़े कम ही है। तो कहीं से अभी हमने इधर भी देखे थे कबूतर, ठीक है पिछली शॉप में तकरीबन 20 कबूतर पड़े थे लेकिन एक भी काम का नहीं था, किसी के जोड़ खुले थे किसी के बर्ड ठीक नहीं थे, क्या मसला था। अभी यहाँ पे हम ढूंढते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई काम का कबूतर मिल पाता है या नहीं जिसको हम अच्छे से उड़ा सकें और वो सूली लगे उड़ के हमारे घर वापस आ जाए करें, ऐसा कबूतर हमें चाहिए। तो गाइस हमने यहाँ पे 3-4 दाने चेक किए थे लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया भाई, कुछ चस नहीं आई। अभी देखते हैं और भी चेक करते हैं। इसका सर चेक करें, सर पर इतना प्यारा इसका डिज़ाइन बना हुआ है अंदर के अंदर, मुझे लगता है इसका कोई पैर शेर लगा हुआ है उसके पीछे जा रहा है, जख्म बना हुआ है कोई यार। तो गाइज अभी चेक कर रहे हैं कोई मज़े का अभी तक पसंद नहीं आया उस तरह से। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं दूसरी शॉप पे और यहाँ पे हमें जो है ना चेक करने हैं अच्छे पर और जोड़ों वाला कबूतर क्योंकि उड़ाने के लिए ये जब सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये कुछ इसमें देसी कबूतर हैं और मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ है ना ये भी बहुत प्यारा कबूतर था लेकिन मसला ये था कि इसके जोड़ छोड़ बंद हुए थे यार। तो यार अभी यहाँ पे एक कबूतर था जो चाचू को बहुत पसंद आ रहा था लेकिन जब इसको हाथ में उठा के देखा ना तो भाई क्या सीन हुआ आप खुद देख लें, मतलब नहीं यार दूर से देखने में अच्छा था लेकिन चीज़ उस तरह की नहीं थी ना, मतलब इसके जोड़ वगैरह खुले थे और पर इसके बहुत मोटे थे इसलिए हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अभी आगे जाएंगे। तो गाइस अभी हम इस शॉप पे आए हैं, यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे कबूतर हैं यार। अभी चाचू जो है ना वो मेरे सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा कबूतर लेना है, ठीक है यहाँ पे नीचे और यहाँ पे अंदर बाहर जो है ना पेयर बने हुए हैं, ठीक है यहाँ से देखें आप ये चेक करें बहुत खूबसूरत किस्म के यहाँ पे पेयर हैं, ये एक पता नहीं कौन सा पेयर है, यहाँ पे चेक करें और नीचे देखें एक कबूतर मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये चेक करें, ये सामने इसका कलर देखें क्या खूबसूरती है इसकी यार माशाल्लाह बहुत प्यारा कबूतर है। अभी वहाँ से हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा कबूतर कोई अच्छा सा पेयर। तो भाई जब आप किसी शौकीन पहचान वाले बंदे के साथ चले जाओ तो यही सब होता है। तो गाइस अभी हम दूसरी शॉप पे आए हैं वहाँ पे भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा था यार, अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ बटेरे वगैरह कबूतर सब परिंदे यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे चेक करें छोटे छोटे बटेरे और 100 रुपये का ये पीस मिल रहे हैं माशाल्लाह बहुत क्यूट है यार, इस तरह के बटेरे जो है ना हम लेके जाएंगे और उनकी कॉलोनी बनाएंगे पार्क विलेज बर्ड। तो गाइज यहाँ पे चेक करें भाई बटेरे हैं छोटे छोटे और हाँ बहुत क्यूट हैं, ये बड़े वाले हैं ना ठीक हो गए, ये थोड़े से बड़े हैं इनसे, कितना बड़े होंगे महीना अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पे गाइज कोई उड़ने वाले कबूतर नहीं है, अभी दूसरी शॉप पे जाते हैं वो सामने वाली, यहाँ पे भी ज़्यादातर फैंसी नज़र आ रहे हैं ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से हमें कोई कबूतर पसंद आ पाएगा, ये ब्राउन लकी पड़े हुए हैं यहाँ पे। इस शॉप पे भी कोई मज़ा नहीं है यार, अजीब सी मतलब मिल ही नहीं रहे कोई अच्छे कबूतर उड़ने वाले और जिनके पास होते हैं उनके रेट इतने हाई होते हैं और नीचे पड़े हुए हैं माशाल्लाह वो तले सोने पे तो तले चेक करें ना वो नर चेक करें सामने जरा मारदा लग रहा अभी इस नर को चेक करते हैं भाई। तो यार फाइनली कुछ काम के यार कबूतर नज़र आए थे और इनका रेट भी थोड़ा सही था, अभी आगे चल के आपको पता चलेगा इनका क्या रेट था लेकिन बहुत बेहतरीन रेट उसने बताया था हमें और कबूतर भी अच्छे थे। ओहो मुझ पारे तो बुझोते हो पर जोड़ ऐसा बन क्या हुआ तो भाई का जोड़ बन कौन है कबूतर से पारे में कुछ ना कहीं गाइस अभी कबूतरों की प्राइसेस पता करते हैं, ये गल सुनो बाहर पीस किस तरह नहीं तंडे वाला जी 300 रुपये 300 रुपये पीस रेट ठीक है इनका, कबूतर खले का चेक करें माशाल्लाह बड़ा सा रेट भी ठीक जरा जो देख के नहीं पसंद करके हाँ ना रेट
तो गाइज अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊँ ना, सीन इस तरह था कि इस तरह का पीस हमें पिछली शॉप से 1500 से कम कोई नहीं दे रहा था। हमने सोचा चलो आगे विजिट करते हैं, कहीं से ठीक कबूतर मुनासिब मिल गए तो ले लेंगे, नहीं हुआ तो बेक उनके पास आएंगे, उनसे कोई डील बनाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें, मतलब आगे आप देख लीजिए क्या होता है ना। फर्स्ट शॉप ऐसी है जहाँ पे भाई फर्स्ट शॉप ऐसी है जहाँ पे कबूतर भी अच्छे हैं और इनका रेट भी अच्छा है। ठीक है, अभी इनमें से ढूंढते हैं कोई और देखते हैं कि पसंद आते हैं या नहीं, फिर देखते हैं आपको बता। यहाँ पे बजीद हैं सारे, कोई बैग चेक दसो गाइस, अभी कोई बैग चाहिए जिसके अंदर कबूतर डालने हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि यार कबूतर मिल ही गए फाइनली। फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है, इसके अंदर कबूतर हैं और इसके अंदर रंग है। ठीक है, अभी घर जाके इनको छोड़ते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से हमने कबूतर लिए और कितने लिए हैं। यहाँ पे कोई और भी कबूतर हैं जो चाचू को पसंद आ रहे हैं। ये ऊपर जो है ना ज़्यादातर जर्चे कबूतर रखे हुए हैं और गोले ही हैं सारे। पुराने देसी कबूतर, पुराना देसी। तो गाइस यहाँ पे ज़ेब्रा फिंचेस भी पड़ी हुई हैं यार, हमारी वाली ब्रीड नहीं कर रही, इनके पास ला के इनसे कोई एक्सचेंज वगैरह करवाएंगे, पता नहीं क्या इशू है। आई शॉट चेक करें, तोते चेक करें और सिर्फ ज़बरदस्त। और यहाँ पे कबूतर का एक पैर है, ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन फिलहाल हम हाई फ्लायर दे रहे हैं, इस वजह से जो है ना इनको अवॉइड करना है। हाँ बात छोड़ो। तो क्या इस कबूतर जो है ना लाख के ऊपर छोड़ दिए, चेक करें और फलाख क्या चीज़ें जब मिली है, मज़ा आ गया चेक करने। सिर्फ बहुत खूबसूरत कबूतर मिले, बहुत मेहनत के बाद मिले, लेकिन आखिरकार हमें चीज़ अच्छी मिल गई है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और अभी इनको जो है ना एक दो दिन तक इनको बाहर छोड़ेंगे, उड़ाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगा। चेक करें, चलो चीज़ चेक करें भाई, मज़ा आ रहा है देख के, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखें ये सामने वाला कबूतर चेक करें, कलसेरा, कितना खूबसूरत किस्म का कबूतर है, मज़ा आ गया भाई आज तो। चलिए भाई इनको बंद करते हैं, अभी दाना छाना डालते हैं, खाना डाल दिया, खाएंगे बाद में। तो गाइस यहाँ पे बच्चे जो है बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, और यहाँ पे ये फीमेल दोबारा से अंडों पे आ गई है, इसके एक बच्चा नीचे है वो सामने। तो गाइस बहुत ही मेहनत के बाद हमें कुछ कबूतर मिले हैं जो कि हमें पसंद आए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे लगे होंगे। अभी इनको उड़ाएंगे, कल के ब्लॉग इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट ब्लॉग में, दो मेरा दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।